हेलो एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। जी जनाब, ये देखें जी, हम आ गए हैं वोडकास्ट करने रहीम जरखान, और ये है तामीर मिल्लत स्कूल, और इसमें हमारा हलका था और इसमें हमने वोडकास्ट किया है। और ये देखें जी, हम डायरेक्ट पहुंचे हैं तो हमने वोटिंग पे चले गए वोडकास्ट करने तामीर मिल्लत स्कूल में। और जी, जिसे हमने वोट दिया था वो विन हो गया है माशाल्लाह, और हमारा जाना वहाँ पे रंग ले आया। और बताएं, आपने किसको वोट दिया और कौन विन हुआ? तो जनाब, ये तो आजकल गहमा गहमी है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे थे, कैंपिंग हो रही थी इलेक्शन के लिए, और गहमा गहमी थी और ये हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था माशाल्लाह। ये देखे कितना रश है, और हर कोई निकला हुआ था अपना हक इस्तेमाल करने के लिए। हर तरफ रौनक थी और जगह जगह कैंप लगे हुए थे, और सब निकल रहे थे वोट कास्ट करने के लिए। और सुबह सुबह ज़रा रिलैक्स टाइम था, लेकिन अब जो सेकंड टाइम था सब निकले हुए थे, जल्दी जल्दी आए, सब ने वोट कास्ट किया। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी कास्ट करके आ गए अपनी भाभी के घर। और ये देखें जी, मेरे भाई और मेरी बहनें और मेरी भाभी ने हमारा वेलकम किया माशाल्लाह। सब हमारा इंतज़ार कर रहे थे, और फिर खाना मिल के खाया हम सब ने। और जी, ये देखें, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, और मेरे भाई भी आए हुए थे इस्लामाबाद से। और ये देखें जी, सब हमारे भांजे भतीजियाँ सब हमें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे थे, और जी खुश हो गए हमारे आने पे, और अल्हम्दुलिल्लाह। और सब एक दूसरे से मिल के बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर इसके बाद हमने खाना खाया, शामिर भी आया हुआ था, शामिर ने भी ब्लॉगिंग की। इसके बाद फिर हम अपने मामू के घर गए, और जी ये देखें जी, अली अली माशाल्लाह से बड़ा हो गया है, और मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहा था, बहुत प्यार कर रहा था, और पहचानने लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, बहुत दिनों बाद आया हूँ। जिनको नहीं पता, जो हमारे चैनल पर नए हैं, उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम शामिर है, ये मेरा कज़न है, इसका नाम हसन है। गाइस, मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई, जल्दी से 4K करवा दो, बहुत ज़्यादा मतलब कम सब्सक्राइबर्स बचे, यानी तो मैं दिल से आप लोगों को कहता हूँ भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई। हम लोग भी ऐसे इतनी मुश्किल से मेहनत करते हैं, एडिटिंग करते हैं भाई, आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। अभी अभी देखें धूप कितनी है, धूप ये देख रहे हैं, तब भी मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो भाई देखें, मोनेटाइजेशन भी माशाल्लाह से चल चुकी है हमारी, और भाई और बच्चा पार्टी को तो देखो, ये आराम से अपनी साइकिल चला रहे हैं। ये दुआ को देखो, दुआ को देखो भाई, ये खाना वाह, और ये सब बैठे हुए हैं, डन हो गया जी। तो चलो, फिर हम अपने मामू के घर आ गए, और मामू और मामी ने भी हमें वेलकम कहा और बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे माशाल्लाह। और जी, फिर ये हमारी भाभी ने हमारे लिए चाय बनाई, और ये मामू हैं हमारे, और अल्लाह लोग हैं ये, और जो भी दुआ करते हैं तो अल्लाह के फजल करम से वो पूरी हो जाती है। तो जनाब, सब इनसे दुआएं करवा रहे थे कि हमारे लिए दुआ करें, हम पास हो जाएं। सब इन्हें मिल के बड़ा खुश हो रहे थे, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, सबसे बातें कर रहा था, और मेरी अम्मी को याद कर रहा था कि मेरी अम्मी कहाँ चले गए हैं और हमें छोड़ के। जल्दी हो जाए सारे बच्चे दुआ करते, सारे पढ़ जान ते सही सलामत, नेक बड़ा बड़ा हो गया, आकाश होया, जानता है।
जी तो मामू के घर से जब हम निकले तो फिर रास्ते में ये देखे कैसी गहमा गहमी है और कैसा रश है, सब इंतज़ार कर रहे हैं इलेक्शन के जो भी रिजल्ट था उसका, और हर कोई बाहर निकला हुआ था। और ये देखें जी, हमने कट मार दिया स्मावर की गाड़ी को और हम जीत गए थे। और ये देखें जी, लीवर स्टेट आ चुका है। लीवर स्टेट के पास जो मस्जिद है माशाल्लाह से बड़ी ही प्यारी, मेरे अब्बू इधर ही नमाज पढ़ते थे सारा वक्त। और जी फिर हम आ गए अपने भाई के घर। अभी भगाई नहीं थी, नहीं तो दूसरे में गुम। आप जीते नहीं हो हमारे से, आप हार गए हो। अच्छा, क्योंकि हमने भगाई नहीं थी। अच्छा जी, शहजादी क्या हाल है जी? ये कौन है? ये कौन है? हेलो जी, क्या हाल है? जी तो भाई के घर आके सब एक दूसरे को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। कज़न्स आपस में एक दूसरे से मिलके, अम्मी अब्बू के बाद सब बहन भाई बड़े भाई के घर जमा हो जाते हैं। सब गपशप लगाते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल बांटते हैं जी। और अल्लाह पाक मेरे भाइयों को सलामत रखे और अल्लाह पाक इनकी रिस्क में, रोज़ी में बरकत अता फरमाए। और जी हम आ गए किचन में। ये देखिए मेरी भाभी क्या बना रही है माशाल्लाह से। किचन में रौनक लगी हुई है, खुशबुएँ फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा चिकन कढ़ाई बन गई और जी वेज भी आई उन्होंने हमारे लिए। और कजन्स आपस में बैठ के लूडो की गेम लगा रहे हैं और गपशप कर रहे हैं। और फिर उसके बाद खाना लग गया। ये देखिए जी, दाल भी बनी है, पकौड़ियाँ हैं रहीमिया खान की मशहूर दही भल्ले, और बड़े ही टेस्टी, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह। और सैलड, सब ने मिल बैठ के खाना खाया और इंजॉय किया। और जी गाजर का हलवा भी था। और फिर मेरी भाभी ने जल्दी जल्दी माशाल्लाह क्या बात है जी, क्या बात है, जबरदस्त किस्म की टिक्का बोटी हमने इंजॉय की और मिलके खाना खाया सबने, बहुत अच्छा लगा। और आप बताएं आपको कैसा लग रहा है जी हमारा ये गेट टुगेदर? अभी 15 दिन ही हुए थे हम रहीमिया खान आए थे और 20 दिन हुए होंगे तकरीबन। तो फिर दोबारा से हमारा चक्कर लग गया, हमें तो बहाना चाहिए रहीमिया खान आने के लिए ना। तो अब वोटिंग के सिलसिले में हम आ गए रहीमिया खान, तो सब बहन भाइयों से मिलके बहुत अच्छा लगा। सब ने फिर यहाँ पर बैठ के खाने के बाद गेट टुगेदर किया और अली ने इतना डांस किया, बड़ा खुश हो रहा था। ये देखें कैसे माशाल्लाह से सब बैठे हुए गपशप लगा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं सब, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इनका ऐसे ही सलामत रखे और खुशियां दे सब बहन भाइयों को। और नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छा मज़े का है, और आप हमारे साथ ही रहिएगा। और इसके बाद क्या हुआ मिलेंगे फिर।